हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा ये कितने तरह के इंडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं और उसे हम कैसे पहचाने कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा मैंने आपको कहा था, सिर्फ 0/0 ही 95% टाइम काम आती है और एक 1^(∞) वाली। उससे हम लोगों ने पढ़ा कि लिमिट कितने तरह के होते हैं, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट क्यों निकालते हैं या फिर लिमिट होता क्या है। आज हम देखेंगे कि लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं अच्छे से। लिमिट को सॉल्व करने के लिए बस दो थ्योरम की जरूरत है हमें, और उन दो थ्योरम के ऊपर लिमिट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक मेरे पास ट्रिक भी है, जो ट्रिक मैं अभी अगर बता दूंगा आप समझ नहीं पाओगे, वो डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा। उसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन अब हमें बुक में दिया हुआ है तो हमें सारी चीजें पढ़नी है। 5 से 6 तरह के थ्योरम्स होते हैं, मैं सबको डिस्क्राइब करूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है बोर्ड पे लिखूंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है मैं उसे बस मुंह से बता दूंगा। आइए देखते हैं। एक थ्योरम है थ्योरम 1, इसमें कहता है कि पहला थ्योरम, थ्योरम 1 का पहला पार्ट, कि अगर कोई लिमिट है, अगर एक्स ए की तरफ टेंड कर रहा है, जैसे कोई फंक्शन है, दो फंक्शन, एक फंक्शन का नाम है fx, एक फंक्शन का नाम है gx, तो दो जो फंक्शन है, दो फंक्शन अगर अगर हम उसमें डाल रहे हैं कि एक्स ए की तरफ टेंड कर रहा है फंक्शन का x का वैल्यू, तो हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट fx टेंड टू a प्लस लिमिट gx टेंड टू a। आप ये देखकर लग रहा हो ये क्या मैंने कर दिया, मैं बताता हूं। जैसे कोई फंक्शन है एक्स, कोई दूसरा फंक्शन है मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो हम कर क्या रहे हैं कि जब कह रहा है कि जब दोनों को ऐड करते हैं, मान ले ऐड कर दिया, इन दोनों का हम लिमिट लगा देते हैं कि एक्स 2 तक जा रही है, चलिए ठीक है, तो हम इसमें अलग करके लिख सकते हैं एक्स एक्स टेंड टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टेंड टू 2, बात दोनों सेम है, इसमें कोई दिमाग लगाना है ही नहीं। उसी तरह दूसरा कहता है अगर लिमिट एक्स टेंड टू ए है, और अगर दो अगर हम फंक्शन को माइनस कर रहे हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो हमसे लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड टू ए माइनस लिमिट जी एक्स एक्स टू, मीन्स लाइक तोड़ के हम लिख सकते हैं। ये हो गए कंपोजिट फॉर्म, ये हो गए ब्रेक करने के बाद फॉर्म। जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर ये माइनस रहता है, ये माइनस हम कर देंगे मान लीजिए, तो यहाँ वही हो जाएगा, बस माइनस सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कह दिया कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन में रहे, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स में रहे, तो हम क्या करेंगे, फिर से टोटली सकते हैं लिमिट एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट जी एक्स, और एक्स ए की तरफ टेंड कर रही है दोनों, तो जैसे एक्स एक्स स्क्वायर है, फिर से वही कर सकते हैं एक्स एक्स टेंड टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स टेंड टू 2, बट ये कंपोजिट फॉर्म है, ये अलग कर दिया हमने। अब आता है चौथा। तो चौथा में होता है अगर दिया हुआ है लिमिट है, कोई फंक्शन है एफ एक्स बाय जी एक्स, उस पर लिमिट लगी हुई है ओवरऑल, तो हम उसे क्या करेंगे, हम बस करेंगे एफ एक्स ऊपर चली जाएगी, जी एक्स नीचे है, तो एक लिमिट ऊपर लग जाएगी, एक लिमिट नीचे लग जाएगी, बात इक्वल है, कोई भी चेंज नहीं है। ये सब बहुत ही सिंपल चीज है, बेसिक चीज है, इससे आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस ये बुक में थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर अगर एग्जाम्पल क्या है, मान लो अगर एक्स है बाय एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स है फंक्शन, ये जी एक्स है फंक्शन, तो दोनों में अगर अलग अलग लगाएंगे हम इसको, अगर ऐसे कंपोजिट फॉर्म में दिया, अगर ब्रेक करना हो तो एक ऊपर लग जाएगा एक्स टेंड टू 0, एक एक्स टेंड टू 0 नीचे, बात सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, आप ये लिखो बात इक्वल ही है। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो है थ्योरम 2। अगर इसमें कहता है कि कोई एक्स टू द पावर एन है माइनस ए कोई कांस्टेंट है पावर एन, पर एक्स माइनस ए, एक्स का एक्स ए का ए, ध्यान दीजिएगा, और लिमिट एक्स टेंड टू ए है, तो हम इसे लिख सकते हैं एन ए एन माइनस वन। आप लोग सोच रहे होंगे ये आया कैसे, अगेन सेम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहां से आया, बस आपको इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप सोचोगे फिर कहां से आया, मैं बता देता हूं, जैसे एक्स एन माइनस पावर एन बाय एक्स माइनस ए, जैसे है तो हम डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस ए से इसे, तो ये कुछ टर्म में आएगी, एक्स एन माइनस वन ए एन माइनस वन टर्म में आएगी, फिर उसमें आप एक्स टेंड टू ए पुट कर दीजिएगा, उससे वैल्यू आ जाएगी एन ए एन माइनस वन। अगेन वो इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे अगर, लेकिन करना ही है, पीएचडी करनी है इस पे, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसे एग्जाम्पल देता हूं इसकी, एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है एक्स पावर 50 माइनस 1 बाय एक्स पावर 10 माइनस 1, इसका कहा गया कि इसे लिमिट निकाल ले, पहले देख लेते हैं ये एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एक्स इंटू 1 हमने पुट किया, 1 माइनस 1 0 बाय 1 माइनस 1 0, यानी कि 0 बाय 0 फॉर्म में आ रहा है, यानी इंडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी, एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हम इस टर्म में ला सकते हैं इसे एक्स पावर 50 माइनस 1, तो हम नीचे क्या कर देंगे, अगर एक्स माइनस 1 नीचे हम कर दिए, अगर हम लोगों ने कर दिया एक्स माइनस वन, तो उसमें इस फॉर्म में आ जाएगी फिर, जैसे एक्स एक्स ए ए, उसी तरह एक्स के नीचे एक्स, वन के नीचे वन आनी चाहिए, लेकिन इसमें पावर है
इसलिए हम इसे यूज तो कर नहीं सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं x माइनस वन कोई यहाँ पे टर्म है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने कर दिया, फिर ऊपर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा हमें x माइनस वन से। अब ये जो टर्म है वो इस फॉर्मूला पे आ गया एन ए एन माइनस वन, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, एन के जगह 15 है, 15 ए के जगह क्या है 1 इंटू 1 और एन माइनस वन 15 माइनस 1 14, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अब ये आ गई इस फॉर्म में x माइनस वन एक्स पावर 10 माइनस 1, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय एक्स टू पावर 10 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, यानी अब ये भी फॉर्म में आ गए इस चीज के, तो फिर से लिख सकते हैं बाय 10, n के जगह 10 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स टेन टू 1 है 1 पावर 10 माइनस 1 यानी कि 9, बस तो हो गए क्या 15 बाय 10, ये हो गए आंसर। कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है दो थ्योरम, एक है थ्योरम 3 एक है थ्योरम 4, पर एक्चुअली थ्योरम सिर्फ यही चीज है साइन एक्स बाय एक्स अगर एक्स टेंड टू जीरो है तो इक्वल टू 1 होती है, ये मैंने अपने आप से लिख दिया है इसलिए क्योंकि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना साइन एक्स बाय एक्स इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे क्वेश्चन बनाओगे तब आपको समझ में आएगी कि बस एन एक्स बाय एक्स पे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने लिख तो दिया, पर मैंने लिखा क्यों, इसलिए क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स अगर है तो अगर साइन एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रही है, यानी कि ये एक्स की लाइन है, ये साइन का ग्राफ है, अगर ये जीरो की तरफ टेंड कर रही है इसका मतलब है एक्स जीरो इस जगह पे होती है ऑलमोस्ट, और अगर साइन जीरो भी इसी जगह पे जीरो होती है, यानी कि दोनों की पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड कर रही है, यानी कि हम एलिमिनेट करके वन लिख सकते हैं। लेकिन दूसरे सेंस में समझते हैं इसे, जैसे होता है कि साइन एक्स की वैल्यू और जीरो तरफ टेंड कर रही है, यानी कि साइन काफी स्मॉल वैल्यू है, हम लोगों ने आप लोगों ने नाइन्थ में ही पढ़ा होगा, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन हो या टेन हो, अगर साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स अगर एक्स टेंड टू जीरो है काफी छोटा हो रहा है तो वो टूटकर एक्स हो जाता है, तो ये टूटकर एक्स हो जाएगा, तो एक्स बाय एक्स एलिमिनेट होकर के भी वन हो सकता है, उस तरह टेन में भी है, लेकिन टेन में इसके मतलब इसके रिस्पेक्ट में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इस पे, क्वेश्चन है साइन फोर एक्स प्लस साइन टू, इस तरह का क्वेश्चन को दिया है एक्स टेंड टू जीरो, आपको कहा गया वैल्यू निकाले की लिमिट। अब हम देखते हैं पहले कि एक्चुअल वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं, चलिए हम लोगों ने जीरो पुट कर दिया, साइन फोर इंटू जीरो यानी कि साइन जीरो बाय साइन टू इंटू जीरो जीरो, यानी जीरो बाय जीरो फॉर्म, मैंने कहा है कि जीरो बाय जीरो के फॉर्म पे ही मैक्सिमम आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं। तो सर सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप फोर एक्स है तो साइन एक्स बाय एक्स के टर्म मिलाना, यानी वन बाय वन में, या फिर फोर है तो फोर फोर एक्स से नीचे डिवाइड और यहां मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, या अगर टू एक्स से डिवाइड टू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो कंपोजिट फॉर्म मैंने बताया तो उसे तोड़ भी सकते हैं, एक्स टेंड टू जीरो ऊपर भी हो गया, एक्स टेंड टू जीरो इधर भी लिख सकते हैं, ये और ये, तो ये क्या हो गया वन हो गया, वन बाय वन मल्टीप्लाई बाय फोर एक्स बाय टू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, टू टू जो फोर यानी कि टू वैल्यू इसकी आ गई। कैसे सॉल्व हुआ उम्मीद आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके कर आप देख लो। अब दूसरा है कि 10x by x equal to 1 कैसे प्रूफ होगा, तो 10x को हम लिख सकते हैं sin x by cos x और x पहले से, यानी कि sin x by x into cos x, sin x by x हम लोगों ने अलग कर लिया और 1 by cos x अलग कर लिया, हम लोगों ने पढ़ा था कंपोजिट रूल वाला जो पहले पढ़ा सबसे पहला थ्योरम, उसमें कि दोनों फिर अलग हो गए, ये x into 0 ये भी हो गया, x into 0 ये भी हो गया, और sin x by x x into 0 पे 1 होता है, ये थ्योरम है। इसी तरह 1 बाय कॉस एक्स, एक्स अगर जीरो पुट करेंगे तो 1 हो गया, यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। वो तो थे सारे थ्योरम्स, अब बस दो थ्योरम बच जाता है, हालांकि वो दो थ्योरम का कोई यूज ही नहीं है, मुझे तो आज तक पढ़ा नहीं, पर उम्मीद है कहीं अगर आपको पढ़ गया तो, मुझे नहीं तक कहीं पड़ेगा, पर हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे, हम सब चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक थ्योरम है सैंडविच थ्योरम और एक और थ्योरम है बेसिक थ्योरम। मान लेते हैं कोई दो फंक्शन, एक एफ एक्स है एक जी एस है, जी एक्स है, तो एफ एक्स जो है वो जी एक्स है या तो छोटा है या बराबर है हर x के हर सारे पॉइंट्स के लिए, जैसे एफ एक्स जो कोई फंक्शन है वो जी एक्स से छोटा ही या इक्वल है x के सारे वैल्यूज के लिए। तो हम इसे ग्राफ में अगर पॉइंट करेंगे तो मान लीजिए ऐसे होगा, कोई पॉइंट है इस जगह, इस पॉइंट पे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, इस पॉइंट पे ये एफ एक्स का ग्राफ है और ये जी एक्स का ग्राफ है, यानी कि एफ एक्स हमेशा छोटा होगा जी एक्स से, सिर्फ एक पॉइंट पे बराबर हो रहा है मान लेते, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है इस तरह से। उस तरह सैंडविच थ्योरम में क्या होता है कि हम तीन पॉइंट लेते हैं एफ एक्स जी एस एच एक्स,
मान लेते हैं एच एक्स सबसे छोटा है, फिर जी एक्स है, फिर एफ एक्स है, यानी कि एक पॉइंट एक एक्स्ट्रा बन गई, उस केस पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है। ये हो गए सैंडविच थ्योरम, दो वाली थ्योरम, बस नॉर्मल थ्योरम हो गई। तो ये था सारा थ्योरम्स। और अगले क्लास में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे लिमिट के, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम देख लेंगे उसे। और एल हॉस्पिटल रूल जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब तब समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।